प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से शिवपुरी जिले के कई क्षेत्र में जगह जगह जलभराव की स्थिति बन गई है, जिसके चलते नागरिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि शिवपुरी जिले के छर्च में कूनो नदी के रपटे से तेज बहाव से पानी चल रहा है, जिस कारण नाका लगाकर राजस्व और पुलिस की टीम तैनात है। इसी बीच कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी और पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने भी गाँव गाँव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, साथ ही पोहरी और बैराड़ में स्थिति देखी। इसके बाद एसडीएम और तहसीलदार को निर्देश दिए गए हैं कि टीम अलर्ट रहे, कहीं भी कोई घटना ना हो। इसके साथ ही सभी आम जन से अपील की गई है कि जलभराव वाले स्थानों पर न जाएं और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखें। शिवपुरी से कमर खान की रिपोर्ट। जिले के आमजनों से मेरा यह अपील है कि वो जब भी रपटे में पानी ऊपर बहता हुआ है उस समय किसी भी स्थिति में उसको क्रॉस ना करें, चाहे वो पैदल जा रहे हो अथवा किसी वाहन पे हो, बाइक पे हो, मोटरसाइकिल पे हो अथवा फोर व्हीलर पे हो। कई हादसे हुए हैं, कई जगह पे हादसे हुए हैं। अपने परिवारजनों की जो और खुद की सुरक्षा, परिवारजनों की सुरक्षा में पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं पुनः उन्हें बारम्बार कहूँगा, चूँकि अभी भी मानसून सक्रिय है और तेज बारिश की संभावना है, तो उन सबसे मैं यही अपील करता हूँ कि वो जब रपटे ऊपर से पानी बहता रहे तो किसी भी स्थिति में उसे पार करने की कोशिश नहीं करें।